बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा कि एक्चुअली सेविंग और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या था। हमने सेविंग को समझा और उसी के साथ साथ हमने क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया। तो सेविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने देखा कि कुछ पर्सन जो है हमारी सोसाइटी में, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी इनकम का तो लेवल है हाई, इनकम हाई है, उनके एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर तो उनका कम होता है और उनकी इनकम जो है अच्छी सी है। दैट मीन्स कुछ उनकी इनकम का जो कुछ पार्ट है वो एक सरप्लस अमाउंट जो है वो खर्च नहीं हो पाता है ना, तो वो उस पार्ट को क्या करते हैं एज अ सेविंग अपने पास रखते हैं है ना, या तो अपने पास रखेंगे या कहीं ना कहीं सेव करके रखेंगे। तो वो जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सेविंग। और क्रेडिट का मैंने आपको समझाया कि कुछ पर्सन ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी जिनका एक्सपेंडिचर जो है उनकी इनकम से ज़्यादा हो, जिनका खर्चा जो है उनकी इनकम से ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में वो पर्सन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए है ना, वो क्या करेंगे कहीं ना कहीं से क्रेडिट जो है क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है सेविंग एंड क्रेडिट की है ना, सेविंग एंड क्रेडिट की, ये कहाँ कंप्लीट होती है, कहाँ फुलफिल होती है, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। और वो जो सेंटर्स हैं जहाँ पर सेविंग भी एक्सेप्ट होती है और जहाँ से क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाता है वो कहलाते हैं आपके फाइनेंशियल मीडिएटर्स। क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल मीडिएटर्स। तो आज हम जो है आज की क्लास में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मीडिएटर्स के बारे में। फाइनेंशियल मीडिएटर्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस और पर्सन हु वर्क इज लिंक्ड बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर इन द मार्केट। जैसा कि आपको पता है हमने देखा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं है ना जो अपना जो है अपना जो सेविंग अमाउंट है वो बैंक में जमा कराते हैं और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो वहाँ से क्रेडिट लेते हैं। तो फाइनेंशियल मीडिएटर क्या होते हैं? आर दोज इंस्टीट्यूशन, कैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं या ऐसा पर्सन भी हो सकता है हु वर्क इज लिंक, वो क्या करता है इज लिंक इन दोनों के बीच में वर्क करता है, एक तो लेंडर के बीच में, एक तो एक पर्सन होता है लेंडर और एक कौन होता है बोरोवर। तो इन दोनों के बीच जो जो एक पर्सन जो मीडिएटर का कार्य वर्क करता है चाहे वो पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो वो सारे क्या कहलाएंगे? फाइनेंशियल मीडिएटर कहलाएंगे। Clear? These institutions get money from those who spend less than their income and thus save money and provide credit to those person and institutions who need money for the consumption and production. ये जो institutions हैं ये क्या करते हैं? They get money from those who spend less than their income. यानी ऐसे person से पैसा जो है लेते हैं, ऐसे person से जो है these institutions get money, ऐसे institution से पैसा लेते हैं जिनका expenditure तो कम है in compared to their income. जिनका एक्सपेंडिचर कम है इनकम से तो उनका पैसा क्या होगा? ये अपने पास ले लेंगे एंड वो क्या करते हैं उस मनी को सेव करके अपने पास रखते हैं एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू दोज पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन। और ऐसे पर्सन या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पर्सन या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं हु नीड मनी फॉर कंजप्शन और प्रोडक्शन, जिनको किसकी जरूरत होती है मनी की, किसके लिए? उनके कंजप्शन के लिए या फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना मनी की नीड है। तो ऐसे पर्सन को क्या करते हैं ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कौन करते हैं? फाइनेंशियल मीडिएटर्स। क्लियर? व्हेन द इन्वेस्टर्स डिपॉजिट देयर सेविंग विद देम, जब कोई इन्वेस्टर अपने डिपॉजिट को इसके अंदर सेव करता है दे गेट ड्यू इंटरेस्ट है ना, वो क्या करते हैं उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, और उनके पास बहुत ही कम रिस्क होती है। जैसे मैंने यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा जो है डिपॉजिट करवाया, मेरे पास जो है मेरा एक्सपेंडिचर जो है इनकम से कम है, दैट मीन्स मैं वहाँ क्या करूँगा अपना जो सेविंग अकाउंट है अमाउंट है वो जमा करवा दूंगा, डिपॉजिट करवाऊंगा और उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? एंड देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, और वहां पर जो पैसा है उस पैसे को लूज करने के लिए, पैसे को खोने के लिए मेरे पास बहुत ही कम रिस्क होता है। डिपॉजिट और कैन टेक बैक देयर डिपॉजिट एट अ शॉर्ट नोटिस, और जब मैं उन डिपॉजिट को कभी भी चाह ले सकता हूँ एट देयर शॉर्ट नोटिस है ना, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट नोटिस के थ्रू मैं जब भी चाहूँ वो पैसा वापस वहां से ले सकता हूँ। इन द सेम वे बोरोवर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो गेट मच बेनिफिट्स फ्रॉम दिस फाइनेंशियल मीडिएटर्स, और सेम वे जैसे मैंने जो सेविंग कर रहा है जो पैसा पर्सन जो डिपॉजिट करवा रहा है वो पैसा पर्सन जो है कभी भी उस पैसे को वापस ले सकता है, और सेम वे जो बोरोवर है जो पैसा वहाँ से एज अ लोन एज अ क्रेडिट लेता है उसको भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फाइनेंशियल मीडिएटर्स हैव ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, और इनके पास जो है पैसा जो है कुछ ना कुछ पार्ट अपने पास ये क्या करते हैं रिजर्व करके रखते हैं। दे लैंड मनी एट नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन इजी टर्म्स, और वो क्या करते हैं बहुत ही नॉर्मल रेट्स पर क्या करते हैं नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होती है उस पर पैसा जो है वो लैंड करते हैं एंड ऑन इजी टर्म्स, और कुछ टर्म्स होते हैं कुछ कंडीशंस होती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है और टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर वो पैसा जो है लोगों को एज अ क्रेडिट वो प्रोवाइड करते हैं।
बैंक इज एन इंपॉर्टेंट मीडिएटर, और ये जो वर्क करता है मीडिएटर का, फाइनेंशियल मीडिएटर का, ये कौन करता है? बैंक करता है। देखें ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये जो क्रेडिट जो है इस क्रेडिट के अलग अलग सोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल क्या होता है, तो आपको पहले मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेडिशनल ऐसे सोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आरबीआई से परमिशन लेकर जो इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज किए जाते हैं वो सारे क्या होंगे, ट्रेडिशनल होंगे। और इनका जो सर्कुलेशन होता है, इनका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। दैट मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं वो सारे क्या होंगे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होंगे। और नॉन ट्रेडिशनल कौन से होते हैं, जिनको स्टेबलाइज करने के लिए, जिनको स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार की है ना गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ठीक। और सेकेंड थिंग, ये जो नॉन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके इनको स्टार्ट करने की किसी प्रकार की, किसी टाइप की कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। क्लियर? देखिए आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। देयर आर मेनी पीपल हुज एक्सपेंस आर मोर देन देयर इनकम। आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेंस जो है हुज एक्सपेंस आर मोर देन देयर इनकम, जिनका इनकम से उनका एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इनकम तो होती है लिमिटेड और उनका एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। आगे देखें, दे नीड टू टेक लोन्स टू मीट आउट दिस एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अब जो इनका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उनको कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। आगे देखें, इन द सेम वे पीपल हु आर एंगेज इन प्रोडक्शन वर्क और बिजनेस नीड मोर मनी टू इंक्रीज देयर बिजनेस। और सेम एज इट इज कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्शन सोर्स में या किसी बिजनेस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो उनको भी क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। फॉर दिस दे टेक लोन, इसके लिए वो क्या करते हैं, लोन्स लेते हैं। पीपल कैन बोरो मनी फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज। और जो पीपल जो है, ह्यूमन बींग जो है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वहाँ से क्या क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर पीपल हुज एक्सपेंसेज आर लेस देन देयर इनकम। और सेकंड, अगर इसी की ऑपोजिट कंडीशन देखी जाए तो कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सपेंस जो है उनकी इनकम से क्या है, कम होता है। क्लियर? दे वॉन्ट टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग। और वो क्या करना चाहते हैं, अपनी कुछ जो इनका जो सरप्लस अमाउंट है उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और उससे क्या अर्न करते हैं, इंटरेस्ट को अर्न करते हैं। फॉर दिस दे डिपोजिट देयर सेविंग इन दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो सेविंग्स है उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेव करते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो एंड लेंड मनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, मनी को डिपॉजिट करता है, मनी को बोरो भी करता है ना, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लाइक डिपॉजिट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, है ना। वो डिपॉजिट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारे जो वर्क करता है वो क्या कहलाता है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो वो है बैंक है, सोसाइटीज है, मनी लेंडर्स है, लोकल बैंकर्स है, ये ऑल दे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दैट मीन्स ये अपने डिपॉजिट्स को, सेविंग को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, है ना। और जब वही जो पार्ट आपने डिपॉजिट करवाया वहां पर उसको क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट वो जो है जो बोरोवर होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? देखें आप, दे कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनको टू पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल और सेकेंड है आपका नॉन ट्रेडिशनल। देखें ट्रेडिशनल मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट। ट्रेडिशनल जो सोर्सेज होते हैं, ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट, जो है गवर्नमेंट के अंडर में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। एंड रिजर्व बैंक के अंडर में भी क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। दे आर गवर्न्ड, कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय आरबीआई। इनका जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनको पूरा कंट्रोल करना है ना, इनको हैंडल करने का वर्क जो है इनको है ना, वो कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, एंड गवर्नमेंट। और कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। दे इन्फॉर्म अबाउट ऑल द एक्टिविटीज टू देयर कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन। और ये जो है अपने जितनी भी एक्टिविटी होती है कि कितना इनके पास डिपॉजिट आया है, कितना इन्होंने क्रेडिट किया है, कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आरबीआई को और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक? दे डू नॉट वर्क ओनली फॉर बेनिफिट्स। ये सिर्फ बेनिफिट के लिए ही वर्क नहीं करते, दे हैव टू अफोर्ड मेनी सोशल लाइबिलिटीज। इनके पास बहुत सारे सोशल लाइबिलिटीज होती है। दे ऑल्सो लैंड मनी टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस। ये क्या करते हैं, पुअर और वीकर सेक्शंस को भी जो पैसा है वो लैंड देते हैं, पैसा उधार देते हैं। दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शंस है हमारी सोसाइटी का,
उनको भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए। दैट मीन्स हमारा जो इकोनॉमिक जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल बैकवर्ड जो सोर्सेज होते हैं, सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने एक वर्ड देखा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर, वीक, बैकवर्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स का मीनिंग है कि जो हमारा बैकवर्ड सेक्शन है, हमारा जो पुअर सेक्शन है, हमारा जो सोसाइटी का जो वीक सेक्शन है, जिनकी इनकम का लेवल कैसा है, लो है, उनको क्या करना, अफोर्डेबल रेट्स पर, उनको अफोर्डेबल रेट्स पर फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, और उसके साथ उनको क्या करना, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उन फाइनेंशियल सर्विसेज से उनको क्या करना, जोड़कर रखना। वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन दैट मीन्स उनको क्या करना, अपने साथ इंक्लूड करके उनको फाइनेंशियल सिस्टम जो है, हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनमें उन बैकवर्ड सेक्शन को, उन पुअर सेक्शन को क्या करना, इंक्लूड। क्लियर। देखें नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वी हैव सीन दैट नितेश एंड चांदनी स्पेंड लेस देन देयर इनकम। हमने देखा कि नितेश एंड चांदनी जो हमने एग्जांपल देखे थे इससे पहले वाली क्लास में, उनका क्या है कि उनके जो एक्सपेंडिचर है उनकी इनकम से क्या होता है, कम होता है। दे वुड लाइक टू मैनेज देयर सेविंग इन सच अ वे दैट देयर वुड बी नो रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। और वो अपनी जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस अमाउंट है, जो मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, वो ऐसे फॉर्म में उसको सेव करना चाहते हैं सो दैट देयर वुड बी नो रिस्क, जहाँ पर उनको नो रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, जो पैसा जो है खर्च होने की या पैसा डूबने की कहीं कोई रिस्क नहीं हो। एंड दे ऑल्सो गेट नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन देयर डिपोजिटेड कैपिटल। और वो क्या करना चाहते हैं, उस सेविंग पर, उस मनी पर क्या लेना चाहते हैं, नॉर्मल इंटरेस्ट भी अर्न करना चाहते हैं। दोज हु हैव स्मॉल सेविंग्स institutions where their money is safe and can get it back easily whenever they need. क्लियर। तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, अपनी स्मॉल सेविंग्स जो होती है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी जगह डिपॉजिट करना चाहते हैं जहां उनकी मनी सेफ हो फर्स्ट, एंड सेकंड कैन गेट इट बैक इजीली, और वहां से इजीली वापस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वेन एवर दे नीड, जब भी उनको जरूरत हो तब पैसा वापस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बैंक्स आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मीडिएटर्स टू डू दिस वर्क। और जो बैंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मीडिएटर होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी सेविंग को एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और जिन लोगों को जब मनी की जो है जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। आगे देखें, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड लैंड इट टू दोज हु नीड मनी। बैंक क्या करता है, आपकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है एंड लैंड इट, और उधार देता है टू दोज हु नीड मनी फॉर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और ऐसे पर्सन को पैसा क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ऐसे पर्सन को लोन प्रोवाइड करता है जिनको इनकी नीड होती है, उनकी कंजप्शन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। आगे देखें, बैंक वर्क्स इज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड क्रेडिटर। बैंक क्या करता है, कंज्यूमर दैट मीन्स डिपोजिटर है उसके बीच में, और जो क्रेडिटर है जो पैसा उधार लेता है उनके बीच में, उन दोनों के बीच में इज अ लिंक वर्क करता है। कंज्यूमर्स कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक्स व्हेनेवर दे नीड। और कंज्यूमर जो है वो बैंक से कभी भी पैसा वापस निकाल सकते हैं जब भी उनको जरूरत होती है। सो दिस डिपॉजिट इज नॉन एज डिमांड डिपॉजिट। और ऐसी जो डिपॉजिट है उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा बैंक जो पर्सन ने जमा करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, वो पैसा तो वापस लेगा, है ना। तो ऐसे डिपॉजिट को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इट इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये जो मनी की क्या है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ये क्या करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट पेमेंट्स बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। आपने जो है पेमेंट कैश की जगह, कैश देने की जगह, है ना, आपने चेक के बारे में भी सुना होगा। फॉर पेमेंट मेड बाय चेक पेई हू हैज एन अकाउंट इन बैंक, है ना। चेक से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो पैसा पेमेंट करेगा, जो पेई है, उसका अकाउंट जो है बैंक में होना जरूरी है। इशू अ चेक, वो क्या करता है, उस चेक को इशू कर सकता है। जैसा कि मेरा अकाउंट है बैंक में और मुझे किसी को कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, किसी को पैसा देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिसका मेरा अगर अकाउंट है तो मैं एक चेक इशू कर सकता हूँ। चेक इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर। चेक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, विच ऑर्डर बैंक जो क्या करता है, बैंक को ऑर्डर देता है टू मेक पेमेंट टू द पर्सन द अमाउंट मेंशनड। वो क्या करता है, बैंक चेक जो है ऑर्डर देता है बैंक को कि जो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है, जो अमाउंट उसमें मेंशन कर रखा है, वो अमाउंट जो है सामने वाले पर्सन को क्या करे, पे करे। जिसको मैं चेक दे रहा हूँ उस पर्सन को पे करने का एक ऑर्डर होता है। क्लियर। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, टैगोर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैज इशूड अ कॉस्ट चेक वर्थ 500 टू राजेंद्र प्रसाद फॉर पेमेंट।
यहाँ पर एक चेक बता रखा है आपके नीचे, जो डायग्राम में चेक बता रखा है, पिक्चर में बता रखा है, मैं आपको बताऊंगा। तो टैगोर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसने इशू किया है, किसके किसको देना है, राजेंद्र प्रसाद नामक एक पर्सन है उसको देना है, और 500 रुपीज उन्हें अमाउंट लिखा हुआ है। इट हैज बीन मेड बाय टू पैरेलल स्लैंटिंग बार्स, उसके ऊपर जो है टू पैरेलल बार्स बनी हुई, लाइंस बनी हुई, स्लैंटिंग बार्स जो है वो साइड में होती है कॉर्नर्स में। दिस क्रॉस द चेक इंडिकेट दैट द पेमेंट शैल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। ये जो अगर लाइंस बना देते हैं अगर चेक के ऊपर, देखो मैं आपको चेक बता देता हूँ पहले, ये देखें ये जो चेक दे रखा है ना, इस चेक के अगर ऊपर देखा जाए, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कॉर्नर की तरफ देखें तो यहाँ पर दो लाइंस बनी हुई है ऊपर, है ना, और वहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट पे। जब चेक्स पर इस तरह की हम दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं, जब टू पैरेलल लाइंस हम अगर हम ड्रॉ कर देते हैं चेक के ऊपर, दैट मीन्स जैसे मैंने आपको चेक दिया, और चेक के ऊपर मैंने टू पैरेलल लाइंस जो है चेक का अमाउंट है, जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको कैश नहीं मिलेगा, वो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। कहां डिपॉजिट होगा? अकाउंट पे। क्लियर हो गया? आगे देखें। दिस क्रॉस द चेक इंडिकेट दैट द पेमेंट शैल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। ये जो है वो अमाउंट जो है वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। देयर आर सेवन एंट्रीज इन द क्रॉस्ड चेक, और जो क्रॉस्ड चेक्स होते हैं उन पे सेवन टाइप्स की एंट्रीज होती है। फर्स्ट टू पैरेलल स्लैंटिंग बार्स होती हैं, दो बार्स होती हैं। डेट ऑफ इशू, जब चेक दिया जाता है उसकी डेट लिखी जाती है। नेम ऑफ द रिसीवर, जो जिसको चेक देना है उसका नेम एंटर किया जाता है, नेम लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ पेइंग इन पेमेंट इन फिगर्स, है ना, जो अमाउंट देना है उसको फिगर्स में, अमाउंट ऑफ पेइंग इन वर्ड्स, फिगर्स एंड वर्ड्स में लिखा जाता है। अकाउंट नंबर ऑफ द चेक इशू, जिसको जिसका चेक इशू हो रहा है वो अकाउंट नंबर उस पर लिखे होते हैं, और सिग्नेचर करना होता है। देखिए आप, ये जो चेक है, इस चेक पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट तो डेट फिल करनी पड़ती है, अमाउंट वर्ड्स है ना, वर्ड्स और फिगर्स में आपको एंटर करना होता है। उसके बाद आप चेक पे क्या करना पड़ता है, सिग्नेचर करना होता है। नॉन क्रॉस्ड चेक्स आर आल्सो इन सर्कुलेशन, जो देखो हमने देखा कि कुछ चेक्स जो अभी एग्जांपल देखा उस पे जो है टू पैरेलल जो हमने क्या कर देखी, उसको क्रॉस लाइंस खींच रखी थी, लाइंस ड्रॉ कर रखी थी। दैट मीन्स उसका मीनिंग ये था, अगर आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी उसका मीनिंग यही है कि जो अमाउंट है वो कैश नहीं मिलेगा और कहाँ होगा, अकाउंट डिपॉजिट होगा। क्लियर? बट अगर उस पर हम लाइंस नहीं ड्रॉ करें, नॉन क्रॉस्ड चेक्स अगर हो वो भी चलते हैं सर्कुलेशन में, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिसीवर कैन गो टू अ बैंक एंड रिसीव पेमेंट। ठीक, यानी जो नॉन क्रॉस्ड चेक्स होते हैं जिन पर लाइंस नहीं होती है, उन चेक्स को आप अगर सीधा बैंक ले जाए और तब ऐसी कंडीशन में बैंक आपको क्या करेगा, जो अमाउंट है वो कैश में प्रोवाइड करेगा। कैसे? कैश में, अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा। अकाउंट में डिपॉजिट कब होगा? जब उस पर आप लाइंस ड्रॉ कर दें। क्लियर? दस वी हैव सच टाइप्स ऑफ चेक्स आर रिस्की, और ऐसे जो चेक होते हैं वो कैसे होते हैं, रिस्की हो सकते हैं। थस वी सी एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी इन डिमांड डिपॉजिट, तो चेक पेमेंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द अकाउंट इज डिमांडेड। तो हम देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वो चेक से सीधा डायरेक्ट जो है डिपॉजिट हो सकता है अकाउंट में। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू द बैंक्स डू विद द स्मॉल विद द अमाउंट डिपॉजिटेड इन अकाउंट्स। अब जो क्वेश्चन बनता है कि हमने जो पैसा है बैंक में डिपॉजिट करवाया, आपने जो अपनी सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाई, उस अमाउंट से बैंक क्या करता है ना, तो बैंक कीप्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज केस। जैसे आप जितने भी लोग हैं, बहुत से आपने देखा होगा बैंक में बहुत से पर्सन जो है बैंक में मनी बैंक क्या करता है, इसका जो स्मॉल पोर्शन है उस अमाउंट का, जितना भी अमाउंट उसके पास डिपॉजिट होता है ना, उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है अपने पास इज केस रखता है। क्या करता है? इज केस रखता है। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल अगर देखें कि बहुत सारे पर्सन बैंक में आते हैं और अपने मनी जो है डिपॉजिट करवाते हैं। माना 1000 पर्सन उस पर डे उस बैंक में आए, 1000 पर्सन आए उस डे उस दिन, और एक उन 1000 पर्सन ने बैंक में कुछ अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाया। अब सोचिए, क्या 1000 पर्सन ही ऐसे वापस आएंगे जो सारा पैसा उसी दिन लेके जाए, है ना? ऐसा तो नहीं है कि 1000 पर्सन ही आए। ऑब्वियसली जितने पर्सन डिपॉजिट करवाते हैं उससे बहुत ही कम पर्सन क्रेडिट लेने आते हैं, बहुत ही कम पर्सन लोन लेने आते हैं, या बहुत ही कम पर्सन ऐसे होते हैं जो वापस उससे विड्रॉल करते हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स हम अगर माने एग्जांपल के थ्रू, तो माना 1000 पर्सन डिपॉजिट करवा रहे हैं मनी, तो उसमें से 100 पर्सन ही ऐसे होंगे जो वहां से मनी को क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो बैंक क्या करता है, जितना मनी हम डिपॉजिट करवाते हैं उसका कुछ पोर्शन अपने पास रख देता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन जो होता है, जैसे 100% के इक्वल अमाउंट अपने पास रख देगा, और जो रिमेनिंग जो अमाउंट है उस अमाउंट को क्या करता है, एज अ क्रेडिट जो है वापस प्रोवाइड कर देता है लोगों को। देखें, इट इज बिकॉज द डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। बैंक क्या करता है, अपने पास कुछ जो है जितनी मनी डिपॉजिट होती है उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखता है कैश में। क्यों? क्योंकि द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। बैंक डिपॉजिटर जो है वो कभी भी किसी भी टाइम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
ओनली अ फ्यू डिपोजिटर्स विड्रो मनी ऑन अ पर्टिकुलर डे, और बहुत ही कम डिपोजिटर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर डे में पैसा जो है उसको विड्रो करते हैं, सारे पर्सन तो एक साथ नहीं आते, क्लियर। सो बैंक्स डू अवे विद दिस अमाउंट इन केस, और इसलिए बैंक क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंग जितने पर्सन आ सकते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ पैसा अपने पास केस में रखता है। बैंक्स मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मनी गोज इन गिविंग लोन, और जो मेजर पोर्शन जो होता है ना वो कहाँ चला जाता है, जो गिविंग गोज बैंक्स मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मनी गोज इन गिविंग लोन, लोन प्रोवाइड करने में बहुत सारा पैसा जो है वो चला जाता है। आगे देखें, दिस बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड पे देम बाय कैश और बाय चेक ऑन डिमांड, और इसलिए बैंक क्या करता है मनी को डिपॉजिट करता है बाय कैश और बाय चेक, है ना, एंड दे ऑल्सो गिव लोन्स, और क्या करता है लोन्स भी प्रोवाइड करता है। बैंक्स हैव स्पेशल सेपरेट वर्क ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक, और बैंक का जो है एक स्पेशल वर्क है वो क्या करता है जो विड्रॉल है उस विड्रॉल को क्या करता है चेक से विड्रॉल करता है अमाउंट को और डिपॉजिट भी करता है। अ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग कमर्शियल लोन्स, और एक कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है कमर्शियल जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन्स को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में बैंक का जो एक बेसिक फंक्शन से बेसिक वर्क जो है बैंक कैसे वर्क करता है, बैंक क्या करता है आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट का कुछ पार्ट अपने पास कैश में रखता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन जो है वो मार्केट में वापस लोगों को प्रोवाइड करवा देता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारी क्लास से, थैंक यू वेरी मच।